गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आप सभी को मेरे YouTube चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड क्यूरी का कि आखिर आप यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो चुका है सबसे पहले आपका फर्स्ट में मेरिट लिस्ट आया मेरिट लिस्ट में उन सभी कैंडिडेट का नाम है जो झारखंड चांसलर पोर्टल या झारखंड यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनके बाद सेकेंड जो आया आपका वो कट ऑफ लिस्ट या फिर सेलेक्शन लिस्ट आप बोल सकते हैं वैसे कैंडिडेट सेलेक्शन लिस्ट जो नहीं दिए हैं हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए आप वहाँ से क्लिक करके अपना सेलेक्शन लिस्ट में जाकर अपना कट ऑफ़ देख लें अगर आप कट ऑफ को टच कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर सेलेक्टेड और कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं दैट मीन्स अल्सो यू सेलेक्टेड और जो कट ऑफ को क्रॉस या फिर टच नहीं कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट अप्लाई नहीं करिएगा आपका एडमिशन नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आप कट ऑफ को आप कट ऑफ अगर क्रॉस नहीं कर पा रहे या तो कट ऑफ आप एलिजिबल नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं करिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है अब हम जो बात करने वाले हैं वो एडमिशन से रिलेटेड कि आखिर आप यहाँ पे एडमिशन कैसे लेंगे सबसे बड़ी बात रही कि यहाँ पे आपका एडमिशन होगा वो कैसे होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा अगर ऑफलाइन होगा तो वो कैसे होगा और ऑनलाइन होगा तो वो कैसे होगा आपको फाइनली बता दें आपका जो एडमिशन होने वाला है वो फाइनली पूरी तरह से ऑनलाइन होगा ठीक है हम इस वीडियो में पूरी तरह से पूरी डिटेल बताएंगे वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है आप वीडियो पर बने रहिए एक भी तरह का कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा मैं सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा और आप यहाँ पे फाइनली एडमिशन अपना ले लेंगे ठीक है आपका जो एडमिशन होगा स्टूडेंट वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा ऑफलाइन यहाँ पे कोरोना वायरस के कारण अभी देखिए मरवाड़ी कॉलेज रांची में इंटरमीडिएट सेक्शन का एडमिशन होना था ऑफलाइन वो अपना शेडल भी जारी कर दिए डेट एंड टाइम भी कर दिए कि स्टूडेंट को यहाँ पर आकर प्रजेंट होकर वो अपना एडमिशन लेंगे बट ये पॉसिबल नहीं हो सका जो हायर अथॉरिटी थे एजुकेशन के वो अप्लाई जो है वो ऑर्डर दे दिए कि आपका ऑनलाइन जो एडमिशन होना है वो ऑनलाइन होगा ड्यू टू कोविड नाइन्टीन ठीक है ड्यू टू कोविड नाइन्टीन तो इस कॉलेज में भी आपका जो एडमिशन होगा स्टूडेंट वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन होगा तो फिर आप कैसे आप अप्लाई करिएगा कैसे आपको प्रोसेस क्या करना है सबसे पहले मेरिट लिस्ट में आप देख लीजिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम है फर्स्ट प्रोसेस है मेरिट लिस्ट आपको देखना मेरिट लिस्ट में आपका नाम है दैट मीन्स योर आर एलिजिबल सेकेंड चीज है आपका सेलेक्शन लिस्ट में आप अपना कट ऑफ देखिए सेलेक्शन लिस्ट में मेरिट लिस्ट में आपका कट ऑफ भी मैंसन किया गया वैसे भी आपका आपका कट ऑफ आपको पता ही होगा जो यहाँ पे कट ऑफ सेलेक्शन लिस्ट में दिया गया है आप अगर उसको टच कर रहे हैं तो ऐट मीन्स यू आर सेलेक्टेड और क्रॉस कर रहे हैं तो भी यार आप सेलेक्टेड हैं और अगर आप कट ऑफ को आप नहीं टच कर पा रहे तो दैट मीन्स यू आर नॉट सेलेक्टेड ओके अब आप बा, बात रहा थर्ड आपको एडमिशन के लिए तो एडमिशन का प्रोसेस जो है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है अब कैसे होगा इसके लिए मैं पूरी तरह से आपको एक एक करके सारा बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं कि आपका एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस इनका रखा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची ठीक है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द सेलेक्टेड स्टूडेंट फॉर द सेलेक्टेड स्टूडेंट फॉर एडमिशन इन डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि ग्रेजुएशन कोर्स अंडर सेशन जो होगा आपका ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री होगा ठीक है आपका जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सेलेक्टेड स्टूडेंट सेलेक्टेड स्टूडेंट मतलब जो एलिजिबल स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट को आगे यहाँ पे लिखिए देखिए क्या लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ कोविड नाइन्टीन पैंडमिक ठीक है फॉलोइंग प्रोसेस फॉर एडमिशन इन डिफरेंट यू जी कोर्सेज सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन विल बी एडॉप्टेड मतलब ये सारे जो कारण है वो कोविड नाइन्टीन के कारण आपका जो एडमिशन होगा वो ऑनलाइन होगा काफ़ी अच्छा है जो रांची के सामने रहते हैं उन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है रांची से दूर यानी रांची से दूर अगर गिरिडीह कोई रहते हैं या तो फिर पलामू या तो डालटेनगंज या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो रहते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद है अगर प्राइवेट सेक्टर गाड़ी से करके वो जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी कॉस्टली और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है तो काफी अच्छी बात है आप ऑनलाइन एडमिशन यहाँ से ले सकते हैं घर बैठे बहुत ही अच्छी सुविधा दी हुई है फर्स्ट यहाँ पे है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड बोथ ऑन द यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट एंड चांसलर पोर्टल हम लास्ट वीडियो में आपको बताए थे जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आप आपकी यूनिवर्सिटी के, के वेबसाइट में भी और एज वेल एज चांसलर पोर्टल मतलब झारखंड यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर आपको नोटिफाइड कर दिया गया है तेईस अगस्त दो को ही ठीक है ये आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट का या सेलेक्टेड कैंडिडेट दिया हुआ है बट ये गलत है ये मेरिट लिस्ट है ठीक है मैरिट लिस्ट आपका वहाँ पर डिस्प्लेट कर दिया गया है और सेलेक्टेड जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट या ऑफ जो सेलेक्शन लिस्ट है वो तो आज जारी किया गया है ठीक है तेईस आठ दो हजार बीस को ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आप समझ जाइए नेक्स्ट यहाँ पे है द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्रिप्ट फॉर्मेट अलॉन्ग सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट वो सभी को आपको स, आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है मतलब स्व प्रमाणित करना है स्व प्रमाणित करने का मतलब है आप डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कराएंगे ठीक है नीचे आपका जो ब्लैंक्स जगह बचता है आप यहाँ पे अपना साइन करेंगे इससे ये वेरीफाई होगा स्टूडेंट जो जेरोक्स डॉक्यूमेंट है जो जेराक्स डॉक्यूमेंट है वो आपका वेरीफाइड हो जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट आप ही का है इसे बोला जाता है सेल्फ अटेस्टेड तो आप सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे जो आप ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे माइग्रेशन जैसे आपका टी सी सी एल सी जो है और ये आपका जो आपका कुछ ऐसा है जो जैसे आपका सी एल सी हो गया सी एल सी इसको ये तो ऑरिजिनल होगा ठीक है आपका माइग्रेशन ये सारे ऑरिजिनल है ये सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है जो जेरोक्स के फॉर्म में रहेगा जैसे आपका एडमिट कार्ड मार्कशीट अगर मार्कशीट तो ऑरिजिनल दे रहे हैं तो फिर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं है और अगर आप जेरोक्स दे रहे हैं तो फिर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द चांसलर पोर्टल आप जो चांसलर पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उसका जो रिसीविंग निकला है स्टूडेंट और अपली फी जो आप फ़ी पेमेंट किए उसका भी रिसीविंग दोनों को आप एक अटैच करेंगे ठीक है ये आपका चांसलर पोर्टल का एक आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप हो गया उसके बाद ये आपका फ़ी रिसीविंग हो गया फ़ी का रिसीविंग ठीक है ये दोनों को आपको अटैच करना है ठीक है अब ये सारे को पी एक पी में ठीक है एक पी में कॉम्बाइन कर देना है कंबाइन कर देना मतलब सारे डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ फाइल में बनाकर आपको भेजना है ये आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है अब एक सारे डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ में बनाना बहुत ही मुश्किल नहीं है हम इसके लिए एक अभी कुछ ही देर बाद में एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें हम बताएंगे स्टूडेंट कि आप कैसे आखिर आप सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन डॉक्यूमेंट को या फोटो खींच जो डॉक्यूमेंट को रखे हैं जे को आप पी में कैसे आप कम्बाइन कर सकते हैं एक साथ कैसे सबको मिला सकते हैं और एक फाइल में कैसे से आप भेज सकते हैं। अगर एक फाइल में आप भेजेंगे स्टूडेंट तो इससे उनको भी परेशानी नहीं होगा और आपका भी सारा सुटेबल डॉक्यूमेंट रहेगा तो ये अप्लीकेशन फॉर्म ऑफ चांसलर पोर्टल जो है इनमें आप साइन नहीं करेंगे क्योंकि इनमें आपका साइन और फोटो लगा हुआ है नेक्स्ट है यहाँ पे मार्कशीट ऑफ क्लास टेन क्लास टेंथ का आपको मार्कशीट देना है अगर ओरिजिनल है तो आप आप ऑरिजनल दे, दे देंगे या डेट ये आपका जो है ना डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है ठीक है क्योंकि आप ग्रेजुएशन में ले रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस एग्जाम आपका ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ वाला सर्टिफिकेट बट डेट ऑफ़ बर्थ वेरीफिकेशन के लिए आपका टेंथ का डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगी जा रही है तो आपको ये देना है अगर आप जेरोक्स देंगे तो आप साइन करके देंगे सेल्फ अटेस्टेड जैसे हम बताए हैं नेक्स्ट यहाँ पे मार्कशीट ऑफ क्लास ट्वेल्थ ट्वेल्थ का जो मार्कशीट है उनको आपको स्कैन करके देना है डी है एडमिट कार्ड ऑफ क्लास ट्वेल्व क्लास ट्वेल्थ का जो आपका एडमिट कार्ड है उनको भी देना है ई e नंबर में है स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एस एल सी या फिर सी एल सी या फिर टी सी ये तीनों चीज एक ही चीज़ होते हैं ठीक है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर टी सी जो आपको मिला है वो आपको ओरिजिनल स्कैन करके देना है आपको इसमें साइन नहीं करना है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है माइग्रेशन सर्टिफिकेट को स्कैन करके आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट यहाँ पे जी नंबर में स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल अगर आप एस सी या फिर ओ से आते हैं ठीक है ये सारे कास्ट से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा रिजर्वेशन के अगेंस्ट आपको रिजर्वेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको एस सी एस टी ओ बी सी का सर्टिफिकेट आपका जो झारखंड जो आपका निर्गत किया जाता है ठीक है एस डी ओ से या फिर एज सी ओ से वो आपको सर्टिफिकेट अटैच करना बहुत ही जरूरी है नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट ठीक है ई शुड नाट अर्लियर देन मार्च 2019 ध्यान रखिएगा इनकम सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य है और वो इनकम सर्टिफिकेट जो होगा आपका वो 2019 मार्च से पहले का नहीं होना चाहिए ठीक है मर्च मतलब नॉट अर्लियर देन मार्च 2009 थाउजेंड एक मार्च से लेकर इधर जब करेंट तक का कोई भी चलेगा बट आप एक मार्च से पहले आप फेबररी का देंगे तो फिर आपका 28 फेबररी या 29 फेबररी का अगर आप देंगे तो नहीं चलेगा मतलब मार्च का वो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए ठीक है मार्च से पुराना होगा तो वो आपका नहीं चलेगा और नेक्स्ट है आई नंबर में बी सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट बी के लिए रिजर्वेशन मतलब आपको बी में यस टिक किए हैं वो सभी को बी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इफ़ क्लेम फॉर बी पी कोटा अगर आप बी कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है आपको बी सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा नेक्स्ट है यहाँ पे आधार कार्ड ठीक है आपको यहाँ पे आधार कार्ड देना अनिवार्य है आधार कार्ड आपका ओरिजिनल है तो आप उसको स्कैन करके दे देंगे ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सारे स्कैन करके आप एक पी में कॉम्बाइन कर लीजिएगा एक पी में आप अलग अलग इमेज भेजेंगे ये दस पाँच दस फाइल को तो उसको भी डिस्टर्ब होगा इससे बढ़िया ये रहेगा स्टूडेंट कि आप सभी को एक पी में कम्बाइन कर दीजिएगा और उस पी में अपना नाम और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है मतलब जो चांसलर पोर्टल के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उस पर आपको मेंशन कर देना मान लीजिए आपका नाम राजू है ठीक है आर ए जे यू राजू लिख दिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है यूजी फाइव एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और सीरियल नंबर ऐसा देकर आप वो पी डी एफ को रीनेम कर दीजिएगा ठीक है और भेज दीजिएगा ये अच्छा आपके लिए रहेगा और उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट जो स्कैन करिएगा वो उसका भी अच्छे रिजोल्यूशन में स्कैन कीजिएगा ऐसा नहीं कि कम फाइल बनाने के लिए कम एम बी बनाने के लिए बहुत कम मतलब रिडबल भी ना हो ऐसा नहीं कि कोई उसको पढ़ भी ना पाए ऐसा मत कीजिएगा सारे क्लियर एंड कट रहना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट तभी आपका सलेक्शन होगा नहीं तो किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा ये बात ध्यान दीजिएगा। है है है। पे में सारे जो document है student, वो आपको email के देना है। किसके सबमिटेड थ्रू ईमेल टू द रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगेंस्ट ईमेल आईडी गिवन बिलो ठीक है नीचे बहुत सारे ईमेल आईडी दिए हुए हैं। जो भी डिपार्टमेंट है उनके हेड जो है उनके ईमेल पे आपको भेजना है ठीक है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है देख लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एच मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ठीक है यहाँ पे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपका ऑनर्स पेपर है वो जैसे यह एंथ्रोपोलॉजी अन, अन, है ठीक है एट द रेट आप डी एस पी एम यू आर रांची डॉट ए सी डॉट इन ये जी मेल को आप कॉपी करके या अच्छा से लिख कर भेजिएगा जी मेल गलती मत लिखिएगा नहीं तो फिर आपका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा ये बात ध्यान दीजिएगा बहुत प्रिकॉशन करने का जरूरत है बढ़िया रहेगा कि आप साइबर कैफे पर जाकर अप्लाई करिए और थोड़ा ध्यान रख कर अप्लाई करिए ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए फोर्थ में सुन द डिपार्टमेंट आप जैसे ई मेल आपको भेजेंगे उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे उसके बाद क्या होगा सुन द डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी विल सेंड यू ए मैसेज टू द डिप जिट फ़ी ऑनलाइन इन योर रजिस्टर्ड मोबाइल उसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो झारखंड चांसलर पोर्टल या झारखंड यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल में आप जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाए हैं स्टूडेंट उनका आपको वहाँ पर एक जो आपका ऑनलाइन फ़ी डिपॉजिट करना करने का मैसेज आएगा ठीक है उसके बाद ही अपना फ़ी को डिपॉजिट करेंगे ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है अब ये जो आपका फ़ी डिपॉजिट होगा वो आपको आपके मैसेज आएगा कंफर्मेशन मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में तभी डिपॉजिट कीजिएगा नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट फाइव नंबर में देख सकते हैं आप फाइव नंबर में यहाँ पे है वंस योर डिपॉजिट द फी यू आर प्रोविजनली एडमिटेड इन द डिपार्टमेंट ठीक है अगर आप एक बार फ़ी पे कर देते हैं आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कम्प्लीटली वेरीफाइड हो गया उसके बाद आप फ़ी जो है वो आप पेमेंट कर दिए ठीक है फ़ी के रिगार्डिंग हम एक वीडियो बना चुके हैं प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं क्या है एडमिशन फ़ी और चार्जेस ठीक है आपको ये ऑनलाइन पे करना पड़ेगा ठीक है आप पे कर देंगे उसके बाद आपका जो फाइनल एडमिशन है वो आपका डिपार्टमेंट के तरफ से एडमिट हो जाएंगे ठीक है वंस यू डिपॉजिट द फी यू आर प्रोविजनली एडमिटेड इन द डिपार्टमेंट उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्स में सिंस द एडमिशन प्रोसेस इज ऑनलाइन ठीक है ठीक है आपका जो एडमिशन प्रोसेस होना है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी डन लेटर ऑन उसके बावजूद भी जो सारे डॉक्यूमेंट आप जो अपलोड करेंगे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको रखना है आपके साथ जब आपका कॉलेज ओपन होगा तो वहाँ पे फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा फिजिकली वहाँ पे यूनिवर्सिटी काउंटर में आपका डॉक्यूमेंट को जमा करके आपको वेरीफ़ाई करवाना पड़ेगा और अगर आप उस टाइम वेरीफाई या डॉक्यूमेंट को नहीं दे पाएंगे तो फिर आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा और फ़ीस भी आपका रिफ़ंड नहीं होगा कोई भी चांसेज़ में इसलिए जो डॉक्यूमेंट आप देंगे वो सारे ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए फेक डॉक्यूमेंट एडिटेबल डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो और ये सारे डॉक्यूमेंट का फ़िजिकल वेरीफिकेशन भी होगा वो जब कॉलेज में आपको बाद में उसके लिए नोटिस निकाला जाएगा और जब आपका कॉलेज खुलेगी तब नेक्स्ट यहाँ पे सेवन इफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय यू इज़ फाउंड रॉन्ग एट एनी स्टेज ठीक है अगर आप जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो अगर गलत है या तो डॉक्यूमेंट आप जो दिए हैं वो अगर गलत पाया गया किसी भी स्टेज में किसी भी कंडीशन में गलत पाया गया तो एडमिशन सेल बी कैंसल्ड एंड द फी डिपॉजिट बाय यू सेल बी नॉट रिटर्नेबल मतलब कि रिटर्न नहीं होगा आपको क्लियर आगे बता दिए कि अगर कोई भी स्टेज में आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आप अगर एडमिशन फाइनली ले लेते हैं और बाद में अगर पाया गया फिजिकल वेरिफिकेशन में कि आपका डॉक्यूमेंट गलत है और डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाएँ तो आपका एडमिशन जो है वो कोई भी स्टेज में कैंसिल कर दिया जा सकता है और आपका फ़ीस जो है वो रिफ़ंड भी नहीं किया जाएगा ठीक है हम ये जो पी है उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे स्टूडेंट आप वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है हम इसको जल्दी ख़त्म करते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीरियल नंबर सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट ई मेल ठीक है आप अपने ईमेल आई ठीक है कोई भी अपने एक ई मेल जो आपका रग, अपना ई मेल है आप अपने ई मेल से बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स के बी वाले एंड जो आपका है ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखिए ये सीरियल नंबर वन में एंथ्रोपोलॉजी है इनका जो जीमेल है वो एच ओ डी डॉट एंथ्रोपोलॉजी एट दी रेट डी एस पी एम ठीक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची डॉट ए सी डॉट इन ये ई मेल पर आपको भेजना है जो बेंगोली सब्जेक्ट अपडेट किए वो ये डिपार्टमेंट में भेजेंगे इकोनॉमिक्स वाले इसमें इंग्लिश वाले जोग्राफी वाले हिंदी वाले हिस्ट्री वाले एच ओ वाले सब का यहाँ पर अलग अलग जी मेल है ठीक है ध्यान दीजिएगा सभी के लिए पार्टिकुलर जी मेल बना दिया आपके सुविधा के लिए स्टूडेंट ठीक है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का देखे तो एच ओ डी डॉट पॉलिटिकल साइंस एट दी रेट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी डॉट ए सी डॉट इन सभी का जी मेल अलग अलग है तो आप इस जी को आराम से अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लिख लीजिएगा उसके बाद ही आप मेल कीजिएगा उसी तरह अगर हमें बी ऑनर्स की बात करें तो बी ऑनर्स में यहाँ पे देखिए बॉटनी केमिस्ट्री जियोलॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स और जूलॉजी यहाँ पे बॉटनी के लिए एच डॉट बॉटनी एट रेट एट दी रेट डी एस पी एम यू रांची डॉट ए सी डॉट इन यहाँ पर मैंसन किया गया है तो जी मेल आप देख लीजिएगा जी मेल गलती नहीं कीजिएगा आपको दिक्कत हो सकता है उसी तरह अगर बीकॉम का बात करें बीकॉम ऑनर्स का तो कॉमर्स वाले के लिए यहाँ पे एच ओ डी डॉट कॉमर्स एट दी रेट डी एस पी एम यू रांची डॉट ए सी डॉट इन पर आपको जी मेल करना है ठीक है ये आपको सेंडर का एड्रेस है आप इस ये एड्रेस पर सेंड करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट को जो फाइल है वो अटैच कर देंगे ठीक है साइबर कैफे में आप जाइएगा अगर आपको परेशानी हो रहा है वो सभी चीज़ आपका कर देगा वैसे पी डी एफ को कैसे आप एक फाइल में अटैच करेंगे उसके लिए हम एक वीडियो आपको बना देंगे जो आपके लिए घर से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आप साइबर कैफे जाए हुए अगर आपके पास पीसी है तभी अप्लाई कीजिएगा मोबाइल फोन से बहुत सारी परेशानियां हो सकती है उसी तरह यहां वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो बीबीए कंप्यूटर अप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक सभी के लिए अलग अलग जीमेल बनाया गया उसके कॉलम में आप देख लीजिएगा ठीक है जो भी आपका जीमेल है आप उससे यहाँ पे उसको मेल करना है ठीक है यह बात ध्यान रखिएगा इनका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और आप इससे देख कर जो आपके सब्जेक्ट है ठीक है जो आपके सब्जेक्ट नेम है उसी को आप जो सब्जेक्ट अपडेट किए हैं उसी को मेल करना है और वही मेल एड्रेस में आपको भेजना है ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश वाले किए और दूसरा में भेज दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा रिजेक्ट हो जाएगा क्लियरली आपको बोल दिया जा रहा है इसके बावजूद और जो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट थे जो हम आपको बताएं उसके बावजूद आपको ये एक जो है अंडरटेकिंग फॉर एडमिशन इन डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस फॉर डी रांची सेशन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ये आपको जो है इसको प्रिंट आउट निकाल कर आप इनको फिल कर लेंगे कंप्लीटली ठीक है और इनको भी साथ में अटैच करेंगे ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा ये भी डॉक्यूमेंट आपका जो अंडरटेकिंग है मतलब ये घोषणा पत्र एक तरह से बोल सकते हैं ये आपको अटैच करना बहुत ही आवश्यक है यहाँ पे आप चांसलर पोर्टल अप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखेंगे ठीक है यहाँ पे चांसलर पोर्टल अप्लीकेशन फॉर्म नंबर यहाँ पर आपको क्या भरना है मैं इमेज में आपको दिखला दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए आप जब मेरिट लिस्ट खोलेंगे या तो फिर आप जो चांसलर पोर्टल या झारखंड यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल में अप्लाई किए होंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे आपको अप्लीकेशन नंबर दिख रहा है ठीक है ये आपका अप्लीकेशन नंबर यही आपको इंटर करना है जैसे अगर हम कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट की बात करें जैसे यहाँ अंकिता कुमारी है इनका जो अप्लीकेशन नंबर है वो यू जी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू 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 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हाइव एन वन थ्री थ्री सेवन एट ये आपको वहाँ पे लिखना है ठीक है ये आपका अपलिकेशन नंबर है ध्यान दीजिएगा फिर से मैं बता रहा हूँ अप्लीकेशन नंबर में जो है अंडरटेकिंग में स्व आपका जो है फॉर्म आपका जो अपलिकेशन नंबर पूछ रहा है उसमें आपको ये भरना है ठीक है यू ये जो लिखा हुआ है ये सीरियल नंबर आपका यूनिक है ये आप देखेंगे ये लगभग यहाँ तक सेम है उसके बाद ये सारा जो है वो यूनिक है लास्ट फाइव डिजिट सभी का अलग अलग है ठीक है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा यू जी आपका अंडरग्रिजवेट और ये आपका सेशन उसके बाद ये एप्लीकेशन नंबर तो ये पूरा आपको वहां पे लिख देना है ठीक है आपको अगर कोई अगर वहां पे एप्लीकेशन नंबर लिखना है तो एप्लीकेशन नंबर में ये पूरा आप लिखेंगे ध्यान रखिएगा ये आपको वहां पे भरना है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आप देख लिए यहां पे आपको वो भर देना है यूजी ऐसा करके यहां पे फिर आपका 2020 उनके बाद ट्वेंटी थ्री उनके बाद जो आपका फाइव डिजिट का कोड है वो आप यहाँ पे भर देंगे ठीक है आपके बाद ऑनर सब्जेक्ट जो आप ऑनर सब्जेक्ट लिए हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद आई आई मतलब यहाँ पे अपना नाम डाउटर आप जो आपके फादर्स नेम है अपने हिसाब से विलेज टाउन पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट स्टेट और यहाँ पे अपना पिन कोड ठीक है और यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे सब प्रोसीड्यूर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो उसको वहाँ पे एडमिशन से निकाल दिया जा सकता है या तो फिर रैगिंग वैगिंग जो है वो पूरी तरह से बैन है वो यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन है ठीक है यूनिवर्सिटी की तरफ से डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड जो सारे डॉक्यूमेंट आप जो सबमिट कर रहे हैं उनको यहाँ पर सिग्नेचर करना है ठीक है मतलब सिग्नेचर करने का मतलब जैसे आप कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जैसे आपको आप दे रहे एप्लीकेशन फॉर्म इन पोर्टल तो यहां से टिक करेंगे ठीक है मार्कशीट दे रहे हैं तो यहां टिक करेंगे ट्वेल्थ का मार्कशीट दे रहे थे यहाँ एडमिट कार्ड ट्वेल्थ का यहाँ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ जो सारे डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं माइग्रेशन दे रहे तो यहाँ टिक करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट तो टिक करेंगे इनकम सर्टिफिकेट तो टिक करेंगे जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है वो वहाँ पे टिक नहीं करेंगे वो खाली छोड़ देंगे ठीक है इसी तरह से अगर बी वाले दे रहे हैं तो टिक करेंगे नहीं दे रहे हैं तो खाली छोड़ देंगे आधार कार्ड दे रहे तो यहाँ पे साइन करेंगे उसके बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आपको साइन करना है ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे साइन करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट सिग्नेचर आप पेरेंट पेरेंट्स यहाँ किसी साइन करेंगे अगर फादर या मदर जिंदा नहीं है अगर उनका लाइव नहीं है नॉट लाइव है तो फिर कोई भी गार्जियन से आपको यहाँ साइन कराना है और यहाँ पे डेट देना है ठीक है इसको भी आप भी ये सारे डॉक्यूमेंट ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से के साथ में ये डिक्लेरेशन जो अंडरटेकिंग एडमिशन का डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको भी आपको फिल करके और साइन करवा कर अटैच करना बहुत ही ज़रूरी है तो आपको मिनिमम कितना डॉक्यूमेंट देना है आपको काउंट करके बताते थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन डॉक्यूमेंट यहाँ हो गया अपने हिसाब से कोई कोई अगर का सर्टिफिकेट नहीं देंगे और बी नहीं देंगे तो मान लीजिए एट और ये डॉक्यूमेंट आपको देना बहुत ही जरूरी है जिनका हम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखें या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये देखिए अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर एडमिशन ये आपको देना बहुत ही ज़रूरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं इसके बावजूद अलावा और किसी भी तरह की परेशानी आप अगर फेस कर रहे हैं तो इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ की हेल्पलाइन नंबर है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी कोई एडमिशन अपना ले पाए ठीक है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग डे